हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष अंगेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी। जितने भी आरआरबी एस्पिरेंट है दोस्तों, उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज मैं दोस्तों किसी नोटिफिक बात नहीं करूंगा दोस्तों, आज दोस्तों मैं एक रेलवे की नई भर्ती के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे में दोस्तों एक नई भर्ती निकल कर सामने आई है। दोस्तों इसके तहत दोस्तों ये भर्ती 10th पास वालों के लिए है। दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, और यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 756 पदों पर ये भर्ती निकल कर सामने आई दोस्तों। और लास्ट डेट की बात करें दोस्तों, तो इसका लास्ट डेट आपको 7/3/2022 तक देखने को मिलेगा दोस्तों, मतलब 7 मार्च को दोस्तों इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। यार इस पोस्ट के बारे में दोस्तों आपको पूरा डिटेल मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले यार, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन पर बीट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, देख सकते हैं ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2022 के अकॉर्डिंग दोस्तों ये भर्ती आई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट हुई थी दोस्तों 8 फरवरी 2022 को ही दोस्तों ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था, और अभी भी दोस्तों आपके लिए बहुत वक्त है देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर 7 मार्च 2022 को दी गई, मतलब यार अभी भी दोस्तों फुल आपके पास 1 महीना टाइम है, आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद फीस पेमेंट की लास्ट डेट बात करें दोस्तों, यहाँ भी 7 मार्च 2022 को ही दोस्तों फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट देखने को मिलेगी, मतलब जिस दिन दोस्तों रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट उसी डेट में दोस्तों आपको फीस भी पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ना ही यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी की, यहाँ पर दोस्तों आपका 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों विथ ITI सर्टिफिकेट, मतलब 10th में 50% मार्क्स के साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए तो दोस्तों आप इससे रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नो एक्सपीरियंस, किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है दोस्तों इस पोस्ट के लिए, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पोस्ट जो है दोस्तों 10वीं पास वालों के लिए ही है। उसके बाद दोस्तों रीड द नोटिफिकेशन, ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज नोटिफिकेशन जाके पढ़िए। टोटल पोस्ट की बात करें तो जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा 756 पद। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एप्लीकेशन फीस की, यहाँ पर दोस्तों जनरल OBC EWS के मेल कैंडिडेट को 100 रुपये तक की फीस देनी पड़ सकती है। उसके बाद दोस्तों ST SC या PW कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की बात करें इन्हें भी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं एज लिमिट में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एज लिमिट कैलकुलेट होगा 7 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग दोस्तों। अगर 7 मार्च 2022 को आपकी मिनिमम एज 15 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज दोस्तों आपकी अगर 24 साल तक है तो भी दोस्तों आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर रूल के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगा, जिसमें SC या ST की बात करें दोस्तों तो इन्हें 5 साल तक एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, और OBC कैंडिडेट को बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3 साल तक आपको एज लिमिट देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों सैलरी यहाँ पर दोस्तों आपको 15,000 तक देखने को मिलेगी दोस्तों। यार ये एक प्रैक्टिस भर्ती है दोस्तों, क्योंकि अभी वर्तमान में आपको पता है दोस्तों रेलवे में जो परमानेंट पोस्ट आ रही है यार, उसके हालात से आप वाकई रूबरू है दोस्तों। बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको अप्रेंटिस करने के बाद यहाँ आपको स्किल इंडिया सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसकी भी काफी ज्यादा वैल्यू है दोस्तों। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से दोस्तों आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। टोटल पोस्ट आ तो आपको पता ही है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड 10th क्लास विथ ITI ट्रेड टू दोस्तों। यहाँ पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा एवरेज मार्क्स के ऊपर दोस्तों, कि 10th क्लास विथ ITI ट्रेड में आपका टोटल एवरेज मार्क्स कितना है। उसके बाद बात करें दोस्तों मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आपका काम सिर्फ फॉर्म भरना है दोस्तों, वो भी एग्जैक्ट डेटा के साथ। उसके बाद दोस्तों आपको मेरिट लिस्ट आएगा दोस्तों ऑफिशियल साइट में, आप ऑफिशियल साइट में जाकर देखिए आपका दोस्तों आपका सिलेक्शन अगर रहेगा तो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इन द फाइनल स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज डन दोस्तों, आपको मतलब दोस्तों फाइनल स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा आपका। यहां पर ना तो कोई एग्जाम होगा ना कोई इंटरव्यू होगा, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल होगा। उसके बाद दोस्तों ज्यादा डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
हाउ टू अप्लाई दोस्तों, अप्लाई आप किसके करेंगे इसके लिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए दोस्तों। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद स्टेप टू की बात करें, आप यहाँ पर कंप्लीट पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे दोस्तों, उसके बाद इसके लिए पेमेंट कर देंगे, उसके बाद प्रिंट आउट करके सेव करके रख लेंगे ताकि फ्यूचर में दोस्तों अगर इसका यूज आए तो आप इसे यूज कर सके। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जॉब लोकेशन की, इसका जॉब लोकेशन आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज दिल से लाइक से एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।